आरएस जेम्स एंड ज्वेलर्स, जहां आपके लिए हॉलमार्क जेवर एक से बढ़कर एक डिजाइनों में उपलब्ध हैं। वहीं लेनी हो गोल्ड, डायमंड या चांदी के जेवर तो आज ही चलें सिर्फ और सिर्फ आरएस जेम्स एंड ज्वेलर्स, सबसे विश्वसनीय शॉप, लाल पैलेस स्टेशन रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9572658649 और 7979869474। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। नमस्कार, ATN लाइव में आपका स्वागत है। मैं कैलाश कश्यप एक नई खबर के साथ आपके सामने मौजूद हूँ और हम खड़े हैं सिवान के सबसे व्यस्ततम इलाका अस्पताल रोड में। ये जो मुख्य सड़क है सिवान छपरा रोड, उसके बाद जैसे आप हॉस्पिटल की तरफ मुड़ेंगे ये वहीं का इलाका है। और ये इलाका, इसके बारे में बताने के पहले आपको बता दें कि सिवान नगर परिषद पिछले दिनों चुनाव हुआ, जो पार्षद थे, चेयरमैन थे, उप सभापति थे, सभी बदले गए। जो अधिकारी थे वो भी बदले गए, लेकिन नहीं बदली तो सिवान की वो गंदी तस्वीर जो आज आपके सामने है। ये अस्पताल रोड का ये नाला आप देख सकते हैं कि ये नाला सफाई के लिए, हमको लगता है कि कई सालों के बाद इसे खोला गया है। ये पूरा भरा हुआ था, ये सफाई हो चुका है, लेकिन सफाई होने के बावजूद इस नाले की जो हालत है वो आपके सामने है। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो वो है कि इस नाले को बनाने में एक अच्छा पैसा खर्चा हुआ और उस नाले को ढकने के लिए अब जिस स्लैब पे, हम अपने कैमरामैन से चाहेंगे कि जरा वो पीछे चले जाए और दिखाएं कि जिस स्लैब पे हम खड़े हैं, हमें लगता है कि शायद ये 20 फुट से भी लंबा ये स्लैब है। अब इसको उठाने के लिए और उठा करके नाले पे रखने के लिए कितनी मशक्कत करने पड़ेगी, उसके बाद भी ये होगा कि नहीं होगा नहीं पता है। तो जो इंजीनियर है यहाँ पे नगर परिषद के, उन्होंने शायद ये सोच लिया कि अब बस इस पे ढाल दो, अब इसके बाद इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी कभी उठाने की। लेकिन आज किसी तरीके से इसको हटा दिया गया है। आप देखिए कि इसको हटाने में ये नाला टूट चुका है। और ये दृश्य सिर्फ यहीं पे नहीं है, ये दृश्य कई जगह पे है। ये नाला पूरा टूट चुका है और ये स्लैब भी, अब कैसे रखाएगा ये एक बड़ी समस्या है। यहाँ कई दुकानदार खड़े हैं, हम उन लोगों से बातचीत करेंगे कि ये कितने दिनों से। और ये देखिए, ये स्लैब यहाँ जब हटाया गया तो ये सरकारी स्लैब है, किस मापदंड से बना है ये अधिकारी जानते हैं या फिर वो ठेकेदार जानते हैं। ये कितने दिनों से हटाया गया है, आप लोग तो यहाँ के दुकानदार हैं। भैया 6 दिन से ये हटा हुआ है, 6 दिन के पास आज दुकान खुला है, साफ हो चुका है, नाला साफ हो चुका है। आपको लगता है कि ये सफाई ना भी एकदम ढंग से, कोई सफाई नहीं हुआ है, ढंग से सफाई नहीं हुआ। कितनी परेशानी हो रही है आप लोगों को इससे? सामने आप देख ही रहे हैं, 6 दिन से मेरी दुकान बंद है, आज खुला है मेरा, वैसे ही खोल के बैठे हुए हैं। ग्राहक का आना है, किसी ने कुछ कहा नहीं कि ये कब रखाएगा, कब नहीं भी है, कुछ नहीं है। ये नाम बता दीजिए अपना। मेरा नाम मिंटू जी, न्यू जींस वर्ल्ड से। और ये इनकी दुकान है, जींस की दुकान है, रेडीमेड की दुकान है, लेकिन ये हालात देख लीजिए इनके दुकान का, जो स्लैब है। और मिंटू जी, ये जो स्लैब देख रहे हैं आप, अब आपको आपको लगता है कि ये स्लैब अब उस पर रखा जा सकता है? नहीं भैया, चलेगा एकदम, देख रहे सामने एकदम टुकड़ा टुकड़ा में सब टूट चुका है भैया। ये तो उठाने के बाद ये फिर यहीं पर यहीं पर आ जाएगा? हाँ भैया, यहीं पर आ जाएगा। तो फिर ये आपका जो नाला है आगे का, ये कैसे ढकिएगा? अब देखिए, हमें तो ऐसा तो नहीं है कि नगर परिषद तुरंत आके इसका कोई उपाय कर दे
फिर तो आपको अपने पैसे से ढलवाना होगा इसको। अब देखिए क्या हो रहा है आगे। आगे क्या हो रहा है, आगे क्या हो रहा है पता नहीं है। नगर परिषद की मेहरबानी है, और इनका भी, ये भी भाई साहब हैं यहाँ पे, आपकी भी दुकान है यहाँ पे? मेरी ही दुकान है। ये कितने दिनों से ये समस्या है? 6-7 दिन हो गया ऐसे ही खुला हुआ है, कोई देखने नहीं, कोई देखने नहीं आ रहा है, और हम लोग बहुत परेशानी में है। लोग पटरा लगा लगा के दुकान खोले हुए हैं। ग्राहक तो बने, ग्राहक जा नहीं रहा है, हाँ ग्राहक जा नहीं रहा है, गिरने का संभावना है, लोग का पैर हाथ टूट सकता है, लेकिन ऐसे ही आदमी अब क्या करे, खोल के बैठे हुए है, दुकान कोई, है कोई नगर परिषद का कोई कर्मचारी कोई अधिकारी नहीं आया? कोई नहीं आया, कोई नहीं आया अभी तक। अब हम लोग क्या करें, दुकानदार है, किसी से मारपीट भी नहीं करते थे। मारपीट तो उपाय ही नहीं है, कानून अपने हाथ में नहीं लेना। फिर वही बात, लेकिन सबसे बड़ी, आप नाम बताया अपना? मेरा नाम जियाउल है, और ये दुकान जूते चप्पल का, जूते चप्पल की ये साइड वाली दुकान है। लेकिन सबसे बड़ी जिस विडंबना की हम बात कर रहे हैं, कि जिस नगर परिषद को लगा था कि ये नगर परिषद अब बदल जाएगा, और जिस तरह से यहाँ पे भ्रष्टाचारी लोग बैठे हुए थे, लेकिन हमें लगता है कि शायद वो तस्वीर शायद कभी नहीं बदल पाएगी, क्योंकि हमें लगता है कि भ्रष्टाचार जो है वो हमारे रग रग में खून की तरह बह रहा है, और इसी का नतीजा है कि अब ये इतना बड़ा स्लैब आप देख सकते हैं कि ये इंजीनियर ने इस पे ढाल दिया। आप देख सकते हैं कि नाली वैसे ही के वैसे ही है, कुछ सफाई नहीं हुआ है। इस नाली को साफ करने के लिए ये स्लैब हटाया गया, वो नाली कैसे साफ हुआ है आपके सामने है, और ये अगर इस पे रख दिया जाता है, ढंग से सफाई नहीं होती। हालांकि ये स्लैब अब रखने के लायक नहीं है, ये आप देख सकते हैं कि ये टूट चुका है। जैसे ही इसको उठाने का प्रयास किया जाएगा, ये अलग अलग हो जाएगा। तो आखिर ये, और ये कितने दिन पहले, आपको याद होगा कि कितने दिन पहले बना है ये हमको लग रहा है कि 20 साल हो ही गया, 15-20 साल नाला बने हुए 20 साल हो गया। हाँ, 15 साल के आसपास हुआ है नाला बना हुआ। तो अगर ये छोटा छोटा स्लैब रहता, 4-4 फीट का बना रहता, हाँ, और उठा, हाँ ये दुर्गत उठा के रख दिया, सफाई हो गया, और फिर अपना रखा भी जाता इजीली। अब तो ऐसा है कि वो उठेगा तो वहीं रह जाएगा, वो कामयाब नहीं है, कामयाब नहीं रह पाएगा। अब आपको लगता है कि अगर ये इसमें भी भ्रष्टाचार हुआ है, जिसकी वजह से ये सब, हर जगह वही हाल है, भ्रष्टाचारी तो हर जगह है, हर जगह, हाँ लोग मायूस हो चुके हैं। आपको लगता है कि ये तस्वीर जो है भ्रष्टाचारी जो लिप्त पूरा देश हो गया है, ये कभी बदलेगा, कभी आशा है, कभी सोचा है आपने? देखिए अब आदमी उम्मीद लगाए रहता है कि हाँ कि बदलेगा बदलेगा, अभी तक तो ऐसा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक हफ्ता से हम लोग परेशान चल रहे हैं, उम्मीद पे दुनिया कायम है, और एक सप्ताह से ये लोग जो दुकानदार हैं यहाँ के त्रस्त हैं। और एक बार जरा आप कैमरामैन से चाहेंगे कि आप दुकानों को भी दिखा दें, कि अभी शाम का वक्त है, लेकिन यहाँ पे देखिए कि इस नाले की वजह से बहुत सारी दुकानें बंद है, और ये हॉस्पिटल रोड का सबसे व्यस्त इलाका जो है वहाँ का नज़ारा है। और ये नाला सफाई के लिए इसको उठाया गया था, इस स्लैब को, लेकिन नगर परिषद ने सफाई करवा लिया। अब सफाई किस आलम में हुआ है वो आपके सामने है। जो ये स्लैब जो है, जिस पर उस पर रखा जाएगा नाले पे, वो अब कहीं रखने के लायक नहीं है। अब या तो इस पर नया स्लैब बनेगा तब रखा जाएगा। तो नगर परिषद जो भ्रष्टाचार, सिवान का नगर परिषद जो भ्रष्टाचार की एक से एक कृतमान स्थापित किए हुए हैं, हमें लगता है कि शायद कुछ और कृतमान अभी बाकी हैं, तब जाकर शायद नगर परिषद उन कृतमान जो भ्रष्टाचार के कृतमान हैं उनकी ऊंचाइयों को छू पाएगा। अगर थोड़ी सी भी जो हमारे अधिकारी हैं, जो चेयरमैन हैं, जो उपसभापति हैं, अगर इस खबर को देख रहे हैं, तो वो उनको तुरंत और तत्काल आ करके शहर के मुख्य मार्ग को, इस निजा, इस जो यहाँ के जो दुकानदार हैं परेशान हैं, उनको इस मुसीबत से निजात दिलाने की ज़रूरत है, और ईमानदारी से काम करें। इस तरीके से ये सफाई का जो आलम है, आने वाले बरसात में सारा पानी सड़क पे होगा और दुकानों में होगा, ना आपका कोई नाला साफ है,
ना कहीं से कोई पानी निकासी की कोई अच्छी व्यवस्था है, ये समय रहते आपको करना होगा, नहीं तो फिर अब जनता जिस हिसाब से आपका फैसला करे। लेकिन अगर यही स्लैब नगर परिषद के अधिकारियों के घर के सामने से हटा दिया गया रहता तो हमें लगता है कि 24 घंटे के भीतर वहाँ पे वो स्लैब रख दिया जाता, लेकिन बेचारे दुकानदार त्रस्त हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। 8 दिनों से ये इसी तरह से पड़ा हुआ है और ये बेचारे आधे तो दुकान बंद करके चले गए हैं और आधे बेचारे ग्राहकों के इंतजार में दुकान के बाहर खड़े हैं। तो ये आलम है यहाँ का हॉस्पिटल रोड का और नगर परिषद के कारनामे का। जिस तरीके से अबे नगर परिषद को इससे सीख लेना चाहिए कि इतने बड़े बड़े स्लैब नाला पे नहीं डालना चाहिए, छोटा छोटा स्लैब होता है तो उससे आदमी को जब भी मन किया हटा के साफ कर लिया फिर आराम से रखा जा सकता है। लेकिन ये 20-20 फुट का स्लैब कैसे उठाएगा, कैसे उठेगा, तो ये एक बड़ी समस्या। और इस समस्या से नगर परिषद को परिचित होना होगा। जिस तरह से सिवान को गोरखपुर बनाने की बात हो रही है तो ये तस्वीर को बदलना होगा, तब आप गोरखपुर बना पाइएगा, अन्यथा हमें लगता है कि शायद 7 जन्म में भी सिवान की सूरत नहीं बदलने वाली। आपको फर्राटेदार अंग्रेजी बोलनी हो तो आज ही चले सिवान का सबसे पुराना जिले का गौरव ब्रिलियंट स्पोकन इंग्लिश एंड कंप्यूटर महादेवा रोड सिवान, नामांकन जारी है, संपर्क करें 9771775410 और 9934991560। सिवान में खुल गया है मान्यवर का एक्सक्लूसिव आउटलेट शोरूम, जहां मिलेंगे आपको बेहतरीन डिजाइनों में शेरवानी, इंडो वेस्टर्न, कुर्ता पैजामा, बंडी सेट, सूट, जोधपुरी सूट, ब्लेजर, साफा, ब्राउच, जूती और दुपट्टा सेट बिल्कुल उचित मूल्य पर। लग्न के रंग मान्यवर के संग आज ही चले, जमकर खरीदारी करें मान्यवर एक्सक्लूसिव आउटलेट शोरूम पेंटालूंस रिलायंस ट्रेंड के सामने, राजेंद्र पथ, छपरा रोड, सिवान। मोबाइल नंबर है 7070484112393, 9322764220। प्रोप्राइटर कार्तिक आर्यन। मानसिक नस एवं नशा रोग का कराना हो बेहतर इलाज तो अब बाहर जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब सिवान में इन बीमारियों का डॉक्टर रागिनी सिंह कर रही बेहतर इलाज। न्यूरोसाइकेट्री एंड चाइल्ड केयर झूनापुर हाईवे से सटे बरहरिया रोड सिवान, जहां एक ही बिल्डिंग में नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मंजीत रंजन के द्वारा बच्चों का किया जाता है बेहतर इलाज। तो अब देर किस बात की, आज ही चले डॉक्टर रागिनी सिंह एवं डॉक्टर मंजीत रंजन, सिवान न्यूरोसाइकेट्री एंड चाइल्ड केयर झूनापुर हाईवे से सटे बरहरिया रोड सिवान। कॉल करें 9431871300। बिहार का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट RCH ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बरहरिया रोड त्रिभेरिया सिवान। हमारे यहाँ BBA, BCA, ANM, GNM कोर्स कराया जाता है। फैसिलिटी टू अवेलेबल, स्टूडेंट लोन एफिलिएटेड टू आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी, फुल्ली वाईफाई कैंपस, प्रोफिशिएंट फैकल्टी, वन ऑफ द बेस्ट कैंपस इन बिहार। गारंटेड प्लेसमेंट, कॉन्टेक्ट करें 06154245710790305562। स्टार ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, जहां डॉक्टर मधुरीश कुमार के द्वारा स्पाइन नस की सर्जरी, घुटना कुल्हा प्रत्यारोपण, दूरबीन द्वारा घुटने कंधे की सर्जरी किया जाता है, वही डॉक्टर अलका सोनी चौधरी स्त्री एवं प्रस्तुति रोग विशेषज्ञ द्वारा बाजपन का इलाज, वही स्त्री एवं प्रस्तुति रोगों से संबंधित सभी ऑपरेशन की सुविधा, निसंतान दंपतियों के लिए भी सुविधा, बार बार बच्चा खराब होने का इलाज भी किया जाता है, 24 घंटा इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है। स्टार ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, घर वरन मार्केट, गौशाला रोड सिवान। संपर्क करें 7209276765, 9852285566। एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में। डॉक्टर उमेश, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154।